हेलो फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था वजन कम करने के लिए। उसकी उम्र होगी लगभग 32-35 इयर्स के दरमियान। और ऐसे पेशेंट को जब मैंने एग्जामिन किया तो मुझे पता चला इसके पूरे शरीर पे वजन पेट पर ही ज्यादा बढ़ा हुआ था और बाकी उसके एक्सट्रीमिटीज छोटे थे। तो ये वजन पेट पे इतना क्यों बढ़ा है, यह क्यूरियोसिटी के लिए मैंने उनका एक सोनोग्राफी किया। पेट के सोनोग्राफी में पता चला कि उनके किडनी में लगभग 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का गांठ था जिसके बारे में पेशेंट को पता ही नहीं था, और उस गांठ के वजह से उनके पेट का वजन इतना बड़ा हुआ था या साइज इतना बड़ा हुआ था। जब मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उनको CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज था, जिस वजह से वो गांठ बन चुकी थी और उसी वजह से उनका पेट का वजन नहीं, उनके पेट में पानी बढ़ चुका था। तो हमारे शरीर में किडनियां दो होती है, लेकिन उनका डैमेज अगर स्लोली प्रोसेस में होते चला जाए तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारे शरीर में किडनी डिसीज पैदा हो रहा है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आज आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस बताऊंगा कि जिससे आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में आपको पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश हमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती है जो कि हमारे बैक साइड पे लोकेटेड होती है। इस लोकेशन में होने के वजह से वो रेट्री पेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ये किडनीज का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में बनते हैं, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेशन करने का काम ये करता है, और उसमें से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर भेज दिया जाते हैं। अगर किडनीज ने इनका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया तो हमारे शरीर में ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होना चालू हो जाते हैं। दूसरा फंक्शन किडनी का ये होता है कि ये किडनीज की वजह से ही हमारा हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो एरिथ्रोपोएटिन फैक्टर होता है ये बनाने का काम भी किडनी ही करती है, जिस वजह से हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन मेंटेन रह सकता है। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने के लिए भी किडनीज रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनीज ने अच्छे से फंक्शन किया तो ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहता है, बिकॉज किडनीज एक रेनिन नाम का हार्मोन बनाते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सनलाइट से जितना भी विटामिन डी हमारे शरीर में चला जाता है तो उसको एक्टिवेट करके एब्जॉर्ब करने का और एसिमिलेट करने का काम ये किडनीज करती है। किडनीज अगर अच्छे से परफॉर्म करती है तो हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड बनता है उसको बाहर निकालने का काम भी किडनीज करती है, और हमारे शरीर में जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन करने का और उसके साथ साथ उनको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा के उनसे नरिशमेंट लेवल शरीर को देने का काम भी ये किडनीज ही करती है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो किडनीज होती है ये एम्ब्रियो स्टेज में हमारा जो ब्लड का फॉर्म होता है उससे तैयार होती है, और बेसिकली ये जो किडनीज होती है राइट फ्रॉम बर्थ कंटिन्यूअसली एक्टिवेट होती है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो विद इन 24 आवर्स उसको यूरिन पास होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इमिजिएटली किडनी फंक्शनिंग करने का काम चालू कर देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम यानी कि फिल्ट्रेशन करने का काम किडनीज करती है। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, ये फिल्ट्रेशन करने का सबसे बेसिक काम किडनीज करती है। लेकिन अगर ये किडनीज डैमेज हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है चेंजेस इन यूरिन। अगर आपके शरीर में किडनी डैमेज की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी तो इसमें सबसे पहला साइन आपके बॉडी आपको देगा यानी कि यूरिन से। बेसिकली अगर आपको पेशाब करते समय क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में हो जाती है या क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है तो ये दोनों साइंस इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर हमें दिन भर में लगभग 7-8 बार यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए और यूरिनेशन होने के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री वाली फीलिंग हमारे शरीर में आनी चाहिए। अगर आपको वो फीलिंग नहीं आती होगी तो आपकी किडनी डैमेज्ड हो रही होगी। अगर हम पेशाब करते समय उसमें कलर जो होता है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अगर वो क्रिस्टल क्लियर ना होके वो येलोइश या रेडिश या ग्रीनिश कलर का हो जाए तो किडनी की जो हेल्थ होती है वो डैमेज होना चालू हो रही है। किडनीज में से जब यूरिन बनता है और वो बाहर की तरफ जाता है तो जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसमें कोई भी मात्रा में प्रोटीन लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी भी जरा सी भी होगी तो आपका यूरिन जो होता है वो फोमी होने लगता है। थोड़ा बहुत झाग तो यूरिन करने के बाद हर किसी को होता है, लेकिन अगर वो झाग जो होता है वो फोम जो होता है वो परसिस्टेंट रह जाए और हर टाइम के यूरिन के बाद अगर आपको परसिस्टेंटली फोम दिखाई देता हो तो आपको किडनी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए।
जैसे कि हमने देखा कि रात को सोने से पहले अगर हम पेशाब करते हैं तो डायरेक्टली 4 से 5 घंटे की नींद होने के बाद अगर हमें पेशाब आती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन पूरी रात में अगर आपको 2 से 3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता होगा तो आपकी किडनी की हेल्थ डैमेज हो चुकी है, खराब हो रही है। इसके साथ साथ अगर हमें यूरिनेशन करने के बाद यूरिन का जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, अगर हमें यूरिन रुक रुक के आ रही है या यूरिन करते समय ड्रिबलिंग यूरिन जैसी सेंसेशन होती है, पेन अगर पेट में होता है, तो ये सारी बातें इंडिकेट करता है आपके यूरिनरी ट्रैक में, यूरेथ्रा में या यूरिन में कोई ना कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस हो रहा है। किडनी डैमेज का दूसरा सिम्टम होता है स्वेलिंग। बेसिकली हमारे किडनीज में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके बाहर निकालने का काम किडनीज करती है, लेकिन अगर सोडियम हमारे शरीर से यानी कि किडनी से अच्छी तरह से फिल्टरेशन ना हो जाए तो वो सोडियम हमारे ब्लड में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है और इसी बढ़े हुए सोडियम लेवल की वजह से हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन होना चालू हो जाता है। जैसे ही हमारे पैरों में ब्लड जाता है और उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से पैरों में सूजन बढ़ने लगती है और ये जो सूजन होती है ये पिटिंग एडिमा कहलाता है, यानी कि इसको दबाने के बाद अगर वहाँ पर खड्डा गिर जाता है तो ये पिटिंग एडिमा होता है और इसका मेन कारण जो होता है ज़्यादातर हम देखा है तो किडनी डैमेज के वजह से ही होता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद चेहरे के ऊपर स्वेलिंग दिखाई देती हो, स्पेसिफिकली आँखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती होगी, रेट्रो ऑर्बिटल एडिमा दिखाई देता होगा, फेस पूरा फपीनेस लगता होगा, हाथों में स्वेलिंग आ रही होगी, तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी की जो हेल्थ है वो थोड़ी बहुत लेवल पर डैमेज हो रही है। इसी सोडियम के डिपोजिशन के वजह से हमें हेयर फॉल हो जाता है, हेयर की क्वालिटी डिस्टर्ब होने लगती है, नेल्स ब्रिटल होना चालू हो जाता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आना लगता है, स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं और पूरे शरीर की शाइन जो होता है वो ग्लो जो होता है वो कम होते हुए हमें दिखाई देता है, स्किन काफी ड्राई हो जाती है और डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए भी हम एनर्जी लेवल उतना महसूस नहीं कर पाते। इसमें तीसरा सिम्टम होता है लो बैक एक। बेसिकली किडनीज लोअर बैक रीजन में भी सिचुएटेड होने की वजह से लो बैक एक हमें किडनी डैमेज का इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बैक पेन काफ़ी कॉमनली होता रहता है और इसके पीछे का रीज़न शायद आपका पोस्चर होगा, शायद आपका स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन होगा या शायद आपको स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम होगा, उस वजह से भी हो सकता है। तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए कि आपको जो बैक पेन है वो बैक पेन आपको उसी कंडीशन के वजह से है या फिर और किसी किडनी डैमेज के वजह से है, तो आपको पता चल सकता है बेसिकली जो लोअर बैक एक होता है इसमें अगर आपको कंटिन्यूअस पेन होगा तो वो कंटिन्यूअस पेन बेसिकली स्पाइनल मसल के स्पैजम में जाने के वजह से होता है, और आपको किडनी के वजह से अगर आपको पेन होता होगा तो वो पेन इंटरमिटेंट होता है, यानी थोड़े इंटरवल तक पेन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर से आ सकता है। इसके साथ साथ ये जो पेन होता है, ये पेन होते समय हमें यूरिनेशन के समय भी ये पेन बढ़ सकता है या फिर ये पेन यूरिनलैटरल या बायलैटरल भी हो सकता है। अगर हमारी एक ही किडनी डैमेज होने वाली होगी, अगर राइट की किडनी डैमेज होती है तो आपको राइट के साइड में दर्द हो सकता है, लेफ्ट की किडनी डैमेज होगी तो लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है, और ये जो पेन होता है ये पेन का सीवियरिटी इतना ज़्यादा नहीं होता कि ताकि हम आपका हमारा जो डेली रूटीन का काम है वो बंद करके आराम कर सके। और ज़्यादातर लोग लेट कर देते हैं इसके टेस्ट करने के लिए। बैक पेन को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटा से छोटा बैक पेन भी अगर आपने अच्छे से कैच किया तो वो बता सकता है कि आपको वो जो बैक पेन है वो किडनी डैमेज से है या नहीं। किडनी डैमेज का फोर्थ साइन होता है जनरलाइज्ड वीकनेस। बेसिकली हमारे ब्लड में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी बनती है, लेकिन इनको बनाने के लिए किडनी से इरिथ्रोपोएटिन फैक्टर जो होता है वो रिलीज होता है, तभी जाके हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है, और इसी हीमोग्लोबिन के वजह से हमारे हर ऑर्गन को या हर सेल को ऑक्सीजन मिलने का काम होता है, जिससे कि ऑक्सीजनेशन से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी मेंटेन रह सकती है। लेकिन इसी किडनी डैमेज के वजह से अगर आपका इरिथ्रोपोएटिन फैक्टर जो होता है वो कम मात्रा में बनता है, जिससे कि RBCs और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के ऊपर डिस्टर्बेंस आ सकता है, उनकी लेवल कम हो जाती है, तो वो लेवल कम होने की वजह से हम दिन भर थकावट महसूस करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए भी हमें हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती, या थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का काम कर लेने के बाद भी हम वीकनेस महसूस करना चालू कर देते हैं। इसी जनरलाइज वीकनेस की वजह से हमें लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाने के ऊपर इच्छा नहीं रहती, जो खाना है वो भी डाइजेस्ट अच्छे से तरह से होता नहीं है, और यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम होने लगता है, और ये सारी बातें इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी जो है वो थोड़ी तरह से डैमेज हो चुकी है।
किडनी डैमेज का 5th और 5th इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ब्लड प्रेशर। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ एच जे इतना होना चाहिए, लेकिन अगर आपके किडनीज को किसी भी तरह के डैमेज हो चुकी होगी तो वहां से निकलने वाला जो रेनिन हार्मोन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तो हमारा अटेंशन पूरी तरह से हार्ट के ऊपर चला जाता है और हम किडनीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूसली ज्यादा है तो उसके पीछे का रीजन आपके किडनीज भी हो सकती है। इसी ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए रहने के साथ आपकी शुगर लेवल भी होगी तो वो भी बढ़ जाती है। बेसिकली हर वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो उन्होंने रेगुलरली आपकी किडनीज का भी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वाइसे वर्सा रूल के हिसाब से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के वजह से किडनीज के ऊपर भी बुरा असर होता है और किडनीज के वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल के ऊपर बुरा असर हो सकता है। इसी के साथ साथ आपकी किडनीज अगर डैमेज कंडीशन में जा रही होगी तो जो भी टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके शरीर में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर ईचिंग हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, जनरलाइज वीकनेस होना, ये सारे लक्षण प्रोड्यूस हो सकते हैं। किडनी डैमेज जब भी होती है तो उसका बुरा असर लिवर के ऊपर और हार्ट के ऊपर भी हो सकता है। इसी को हिपेटोरिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसमें कि किडनीज के डैमेज होने के वजह से लिवर का परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होने लगता है, और लिवर का परफॉर्मेंस जब डिस्टर्ब होता है तो किडनी और लिवर के दोनों के सिम्टम्स हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। जितने जल्दी आपको किडनी डैमेज के बारे में आपकी बॉडी सिम्टम दे और वो भी आप अच्छी तरह से कैच करे, तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट अगर हम कर लेते हैं तो हमें उसमें होने वाले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया, सीरम यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट्स, एल्ब्यूमिन, ये सारी बातें अच्छी तरह से पता चल जाती है और आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। फिर भी अगर आपके शरीर में इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट है और आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल भी होगी तो ऐसे समय पर आपको ये कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। बेसिकली आपको दिन भर में पानी का प्रमाण अच्छी तरह से रखना चाहिए और इतना पानी पीना चाहिए कि आपकी यूरिन क्रिस्टल क्लियर वाटरी फ्लूइड जैसी आ सके। आपको यूरिन करते समय कोई भी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन नहीं चाहिए। आपकी यूरिन की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी बहुत भी लीक हो रही है, आपके यूरिन में फोमी यूरिन जैसा कंडीशन अगर है, तो आपके डाइट में से आपको प्रोटीन का क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस का भी किडनीज के हेल्थ के ऊपर काफी बुरा असर होता है, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते रहता है और यह कॉर्टिसोल आपके किडनीज को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको योगाभ्यास और प्राणायाम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप आपकी किडनीज की हेल्थ अच्छी रख सकते हो। इसी के साथ आयुर्वेद में बताया हुआ पुनर्नवादी कषायम, पुनर्नवा, निम्ब, पटोल, शुंठी, तिक्ता, अमृता और दारवी यानी कि दारू हरिद्रा, इन 6 कॉम्बिनेशन वाला काढ़ा अगर आप रेगुलरली आपके डाइट में रखते हो तो उससे भी आपकी किडनीज की हेल्थ अच्छी रह सकती है। इसी काढ़े के जो कंटेंट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। ये काढ़ा उन्हीं पेशेंट्स को लेना चाहिए जिनके किडनीज में क्रिएटिनिन का लेवल या एल्ब्यूमिन का लेवल थोड़ा बहुत मात्रा में बढ़ा है, या फिर उनकी यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे सारे व्यक्तियों ने यह काढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली उनकी किडनीज की हेल्थ अच्छी हो सकती है। देखो दोस्तों, किडनीज अगर डैमेज हो चुके हैं, इट्स नॉट द एंड। अगर उस लेवल पर आप अच्छे हो जाते हो और आपने मेडिसिन, डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, तो ये डैमेज हुए हुए किडनी की हेल्थ भी आप रिवर्स करा सकते हो और आपकी दोनों किडनीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको भी आपके किडनीज के रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा, समस्या होगी, तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।